आज की क्लास में हम बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूले की, कि टेक्स्ट फॉर्मूला का वर्क क्या होता है। टेक्स्ट फॉर्मूला जैसे कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर जो हम लोग उसकी डेटा क्लियरेंस बाकी चीजें करती है, उसे वही आपका टेक्स्ट फॉर्मूला में हम उसका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसका कोड डाल जाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक कोड का फॉर्मूला है जो कि किसी करेक्टर का कोड बताता है, और फिर वहाँ बस कैर का फॉर्मूला है जिसका कैर बना करेक्टर बताता है। तो आप सोच रहे होंगे कि कोड कैर से हमारे रिपोर्ट्स की क्या यूज होगा। हर चीज का यूज है, इंतजार कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत और यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, या सुजीत के अंदर हमने काफी सारे स्पेस के साथ कुमार लिख दिया। अरे कभी कभी क्या होता है कि आपके किसी टेक्स्ट के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, या बाद में या स्टार्ट में स्पेस होता है, तो ऐसे डेटा को क्लीन करने के लिए हम लगाते हैं ट्रिम का फॉर्मूला। ट्रिम फॉर्मूला क्या करता है कि अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। ध्यान रखिएगा, मैंने अनवांटेड स्पेस की बात की है कि अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है, स्पेस को नहीं। ठीक है, स्पेस को रिमूव नहीं करता है। तो यहाँ पे एक बार और प्रॉब्लम होती है, कभी कभी क्या होता है कि आपके डेटा में स्पेस नहीं, रैप टेक्स होता है। जैसे ऑल्ट एंटर किया तो यहाँ देखिए आ गया, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए मैंने कुमार लिख दिया। अब ऐसे डेटा के ऊपर मैं अगर ट्रिम लगाता हूँ तो क्या होगा, बोले सर सट गया। लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ लगाता हूँ, लेंथ फॉर्मूला क्या करता है, किसी टेक्स्ट की लेंथ को बताता है, जिसने लेंथ 12 बता दिया। ठीक है, ट्वेल्व बता दिया सर। नहीं सही है ना, मुझे 12 आ गया लेकिन आपने मैनुअल काउंट करके देखा है, 12 सच में है? था, 11 आया। फिर आया आपके 12, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हाँ क्योंकि ये जो रैप टैग्स है ना उसको भी काउंट, क्योंकि एक तरह का करेक्टर है ना सर, ओके okay। उसके उसको भी काउंट कर लिया, समझे? तो उसका फर्क क्या पड़ा? वही तो बता रहा हूं ना कि अब जैसे कि कहीं पे अगर सुजीत कुमार इस तरह से लिखा हो तो दोनों देखने में एक जैसा है ना, लेकिन जब इसके ऊपर वी लुकअप और लॉजिकल फॉर्मा लगाएंगे तो मैच नहीं करेगा ना, समझे? तो यहाँ ऐसे केसेस में हम लोग चाहते हैं कि इसका जो करेक्टर है अनवांटेड, जो कि टी और के बीच में है और जो दिख नहीं रहा है, ऐसे करेक्टर को रिमूव करने के लिए हम क्लीन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्लीन। अब नाउ हम मैं यहाँ पे करते हैं लेन फॉर्मूला, तो 11 दिखेगा, और किसी सेल पे मैं लिख देता हूँ सुजीत और कुमार, तो ये दोनों आपस में बराबर। ठीक है, ओके क्लियर सर? डाउट इसमें? नहीं अब यहां पे ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब यहां पे अगला रोल आता है, लेकिन हमने तो टी और के बीच में हमें स्पेस स्पेस देना चाहिए था, सेपरेटर हमने तो हटा ही दिया ना, क्या? सेपरेट तो हाँ, हम तो हटा दिए। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब बता दूँ आपको कि ऐसे केसेस के लिए हम ये जानना चाहेंगे किसी भी नंबर के अंदर अगर डेसिमल लगा है तो ऐसे डेसिमल्स को कैसे रिमूव करें। तो डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला किसी भी सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर से रिप्लेस करता है, जैसे कि हाँ मैं डॉट को डैश पे रिप्लेस कर दिया। सो यहाँ पे डॉट हो गया, कॉमा होना चाहिए था, कर दिया ना सर?
ओके डॉट को डैश में। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूट का, सॉरी सब तो माफ कीजिए रिप्लेस का। रिप्लेस फॉर्मूला किसी भी सेल के अंदर जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता है पोजीशन के हिसाब से। जैसे कि मुझे रिप्लेस करना है डैश को किसी और करेक्टर से, तो डैश का पोजीशन चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर से एक डिजिट को रिप्लेस करना है किससे, तो स्लैश एंटर प्रेस किया, ये आपका रिप्लेस हो गया सर। क्लियर है? अब प्रॉब्लम आती है कि यहां कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्योंकि यहां पे रैप टेक्स है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊं, इसको सिलेक्ट करूं, इनवर्टेड कॉमा में ऑल्ट एंटर करूं, गलत हो जाएगा ना। तो उस केस में एक जो फॉर्मूला है ये लगते हैं, हम लगाएंगे किसी एक सेल पे रैप टेक्स करेंगे, मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे डबल क्लिक करके, ऑल्ट एंटर रैप टेक्स हो जाएगा। और फिर इसमें मैं कोड का फॉर्मूला लगाऊंगा, पता करूंगा रैप टेक्स का कोड क्या होता है। मतलब मैं कैर फॉर्मूले के अंदर 10 डालूं तो बिल्कुल सेम कैरेक्टर आएगा, राइट। तो मैं यहां इक्वल सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊंगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और इसके अंदर कैर 10 डालूंगा और यहां पे मैं कर दूंगा स्पेस। अगला हो गया सर, क्लियर है? अब चलिए सेपरेशन की हम बात कर लेते हैं कि सेपरेट कैसे करेंगे। तो हमारे पास कुछ नंबर्स मैंने डाले हैं, मान लीजिए मुझे सबको अलग अलग करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेफ्ट का, जो कि लेफ्ट से जितना डिजिट बोलोगे उतना डिजिट अलग कर देता है, तीन बोला तीन अलग कर दिया। फिर मिड से हमने बोला तो मिड से अलग कर देगा, सॉरी मिड यहाँ लगेगा ना, मिड फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे कि मिड से अलग कर, तो तीसरे नंबर चौथे नंबर पांचवें नंबर से तीन डिजिट, क्योंकि थ्री पांचवें पर है ना, चौथे ये आ गया मिड। फिर मैंने यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे लगाया राइट का फॉर्मूला और राइट से तीन डिजिट अलग कर, हो गया विदाउट इसमें नो। अब बात करते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन अलग करने और रिप्लेस करने का एक और हम एक और चीजों पे डिस्कस करते हैं कि मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं इस तरह से, जैसे 9188025798 ओके, मैं कस्टम लगा के इस पे जीरो कर देता हूँ। ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और बीच बीच में कुछ नंबर जीरो से 8802579388 समझे। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे जितने भी जीरो वाला है उसके ऊपर 91 लगाना है, तो कैसे लगेगा? रिप्लेस जीरो रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस से करेंगे तो फिर 91 को भी 9 को भी रिप्लेस कर देगा और बीच वाले को भी रिप्लेस कर देगा, बीच वाले जीरो को। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट लगाएंगे तो बीच के भी कर देगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले लेफ्ट का फॉर्मूला। लेफ्ट फॉर्मूला में हम देंगे कॉमा वन, तो एक जो लेफ्ट का जो लेटर है वो लेटर अलग कर देगा, जो कि कर दिया। अब इसी को हम इफ के अंदर डालेंगे कि इफ अगर ए इक्वल टू जीरो है तो क्या करें, 91 और कॉनकेट। अब इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जीरो नहीं चाहिए ना मैं सर, तो मैं यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाऊ, राइट मुझे राइट से लो, लेकिन कितना डिजिट लो, हमने बोला कि जितना इसकी लेन है ना उससे एक कम कर लो, ठीक है। अगर जीरो नहीं है तो जो नंबर है वही शो कर, एंटर प्रेस किया। अब आप देखिए
अभी भी नहीं हुआ। रीजन क्या नहीं हुआ बताइए। फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है, एक छोटी सी प्रॉब्लम इसका आंसर नहीं हुआ। क्या फॉर्मेटिंग? सर ये टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट है इसलिए नहीं यहाँ दिया भी इक्वल टू जीरो कर टेक्स्ट। दिए। हाँ अगर मैं अब क्या करेंगे इसके लिए, तो जीरो को इन्वर्टर कॉमा में डाल देते हैं, हो गया। तो इस तरह की चीजें आप सोच सकते हैं अपने ऑफिस में। अब चलिए मान लीजिए कि मेरे पास ईमेल आईडी है, मेल आईडी है जिसमें है kumar@iptindia.com। अब इसमें ऐसे बहुत सारे ईमेल आईडीज हैं, ठीक है ना। एक सेकंड दीजिए, बस एक सेकंड। तो यहां हम क्या चाहते हैं कि आईडी अलग हो और वेबसाइट अलग, ठीक है, कुमार अलग हो जाए और वेबसाइट अलग हो जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए, क्योंकि अगर मैं जनरली लेफ्ट लगाया और लेफ्ट के अंदर कर दिया कि भाई मुझे 5 डिजिट अलग कर दो, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो देखिए अगर आपके पास पुराना एक्सेल है ना, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। हम फाइंड या सर्च का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें हम देंगे एट द रेट और देंगे, यहाँ तो उल्टा कर दिया माफ कीजिएगा, हमें पहले देना है एट द रेट और ये सेलेक्ट करेंगे मेल आईडी और कॉमा वन। ये बताएगा कि एट द रेट का पोजीशन क्या है, फिर यहाँ पे 6-1 कर दिया, तो रिजल्ट आपके सामने कुमार आ गया। आ गया सर, क्लियर सर? ये C16-1 क्यों करा आपने? क्योंकि 6 नंबर एट द रेट तक की जगह ना है, एट द रेट नहीं चाहिए ना। फिर ऐसे ही मैं यहाँ पे करूंगा राइट, राइट में हम इसको यूज करते हैं, इसको लेते हैं और करते हैं कि कंप्लीट जो लेन है, जो लेन उसमें से हम माइनस कर देते हैं अपना 6, जो 6 आया है। तो क्या होगा, अब जहां जहां मैंने 6 यूज, एक मिनट, राइट कंप्लीट लेंथ माइनस C9, तो कंप्लीट लेंथ वो होगा ना AD, लेन हमें ये देना पड़ेगा ना, हमें गलत लेंथ सेलेक्ट कर लिया। आ गया सर, क्लियर है? लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट आफ्टर एंड बिफोर। यहाँ पे बिफोर लगेगा, टेक्स्ट बिफोर इसको सेलेक्ट करें और हमने बोला कि एट द रेट से पहले आज पहले को दे दे, एंटर प्रेस किया तो एट द रेट से पहले कुमार दे दिया। फिर आता है हमारे पास टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट आफ्टर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ एट द रेट हमने किया, टेक्स्ट आफ्टर देखिए iptindia.com दे दिया सर। क्लियर है? अच्छा इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना, जो डेटा में जाके वो जो वो वाला वो है आपका, मैं तो उसे सेपरेट कर लेता हूँ चीजों को, जो फंक्शन है पूरा का पूरा जिसमें आप कॉमा लगा हो या कुछ भी हो, तो वो आपको सेपरेट कर देगा जैसे टेक्स्ट टू कॉलम। हाँ टेक्स्ट टू नहीं समझिए, आप एक चीज जान लीजिए, आप शायद ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप यूज करते हैं किसी फीचर्स को तो मैनुअल कहलाता है, वो आपको हर बार अलग करना।
और उसको किसी और फॉर्मूले के साथ ऐड भी नहीं कर सकते। जैसे कि ये देखिए हमने बताया कि मुझे एक करना है, अब यहाँ पे टेक्स्ट को कॉलम थ्री इस्तेमाल करते हैं, हाँ ये तो है, समझ रहे हैं ना। तो सेम चीज यहाँ पे हम यूज करते हैं, ओके ठीक है, क्लियर है जी जी आगे बढ़े। जी जी तो टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट बिफोर के मदद से भी आप दोनों को अलग कर सकते हैं। तो सेपरेशन समझ में आ गया आपको, जी जी कोई डाउट इसमें? नो नो। और यहां भी आपने देखा किस तरीके से हम अपना इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है कि आपका प्रॉब्लम हो, कभी भी इस तरह की चीजें हो तो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जी जी चलिए आगे बढ़े। जी जी अब अगला ऑप्शन यहां पे आता है, वो ये आता है कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, जैसे कि मैंने यहां पे सुजीत लिखा तो आप इक्वल अपर केस कर दें तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एक आता है लोअर फॉर्मूला, वो लोअर केस में आपको कन्वर्ट कर देगा। एक आता है आपका प्रॉपर फॉर्मूला, जो कि प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ओके प्रॉपर केस मतलब कि जो जितने भी होंगे वर्ड उसके हर वर्ड को अपर में कर देगा, ठीक है। पर कर देगा जी, ओके क्लियर है जी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं नहीं। अच्छा यहाँ पे एक, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ आज। जैसे कि मैंने कोई कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब उस पैराग्राफ के अंदर कितने वर्ड है ये कैसे काउंट करेंगे? लेन से तो करेक्टर काउंट करके देगा ना, मैं बात कर रहा हूँ वर्ड्स को काउंट कर। तो वर्ड को काउंट करने के लिए